एक्सॉन 40 प्रो जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, जो मिड सेगमेंट का फ्लेक्सी फोन कह सकते हैं। 144 हर्ट्ज कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, 100 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप, फ्लेक्सी ग्रेड प्रोसेसर, प्रीमियम इन डिजाइन, ह्यूज बैटरी एंड मेनी मोर। दोस्तों, आज मैं ZTE एक्सॉन 40 प्रो का हैंड्स ऑन और फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाला हूं, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है और ये फ्लेक्सिप ग्रेड स्पेक्स के साथ आता है। मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे हैं टेकी शीट। और जैसे कि आपको पता है, लेटेस्ट न्यू अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही लेटेस्ट न्यू अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला गिव अवे देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए, हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले ZTE एक्सॉन 40 प्रो के डिजाइन और बिल्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पे फोन ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है, इसके अलावा गोल्ड और ब्लू कलर भी मिलते हैं। बैक यहाँ पे ग्लोसी मिल जाता है और ग्लोसी है तो फिंगरप्रिंट के साइन तो आसानी से देखने को मिलेंगे, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। और फोन स्लीपरी भी होगा। वैसे इस साल ज्यादातर फोन्स में मैट फिनिश बैक ही देखने को मिलता है। बैक बॉटम में देखे तो ZTE का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है और 5G का लोगो मिल जाता है। टॉप लेफ्ट में लार्ज कैमरा मॉड्यूल मिलता है जो इस बार यूनिक देखने को मिलता है और मेन मॉड्यूल का शेप रेक्टेंगुलर मिल जाता है, लेकिन मेन मॉड्यूल के अंदर दो रिंग मिल जाती है। एक रिंग में मेन कैमरा मिलता है और दूसरी रिंग में बाकी के दो सेंसर्स मिलते हैं और एक मेन कैमरा मॉड्यूल के अंदर सेंसर मिल जाता है, यानी टोटल 4 कैमरा लेंस लगे हैं। कैमरा मॉड्यूल की डिज़ाइन इस बार डिफरेंट ही मिल जाती है। फ़ोन का बैक कवर्ड मिल जाता है और इन हैंड फील अच्छी मिलेगी, लेकिन फ़ोन थोड़ा वाइड है तो सिंगल हैंड से ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल है। फोन का डायमेंशन देखें तो थिकनेस करीब 8.7 mm की मिल जाती है और वेट करीब 199 ग्राम्स का है। वेट ऑलमोस्ट 200 ग्राम्स के अराउंड है, तो यहाँ पे वेट थोड़ा ज्यादा है। फोन में फ्रेम मेटल की मिल जाती है, तो बिल्ट में तो ओवरऑल फोन यहाँ पे सॉलिड है। एक्सॉन 40 प्रो के फ्रंट की बात करें तो 6.67 इंच की कर्व्ड स्क्रीन मिल जाती है और ये एमोलेड डिस्प्ले है। रेजोल्यूशन फुल एचडी प्लस मिल जाता है और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज की मिल जाती है। टच सैंपलिंग रेट 360 हर्ट्ज का मिल जाता है। डिस्प्ले में कॉन्ट्रास्ट लेवल भी काफ़ी अच्छा मिलता है और ये 10 बिट डिस्प्ले है, साथ में 100% DCI-P3 व्हाइट कलर गमुट भी मिल जाता है, तो यहाँ पे नेचुरल कलर्स देखने को मिलेंगे। डिस्प्ले में मैक्स ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स की मिलेगी, यानी सनलाइट में विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी। ऑल ओवर फोन में सुपर डिस्प्ले मिल जाती है, ऊपर से कर्व्ड भी है तो प्रीमियम फोन की फील देगा ये। ZTE एक्सॉन 40 प्रो में परफॉर्मेंस की बात करें तो स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर मिल जाता है, जो 7 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बनाया है। मैक्स क्लॉक स्पीड 3.2 GHz की मिल जाती है। रैम यहाँ पे LPDDR4X मिल जाती है और रैम यहाँ पे मेरे हिसाब से LPDDR5 मिलनी चाहिए थी। और स्टोरेज में यहाँ पे UFS 3.0 मिलता है, तो यहाँ पे भी 3.1 चल रहा है अभी मार्केट में, लेकिन यहाँ पे 3.0 दिया है। आप यहाँ पे एंटूटू स्कोर देख सकते हैं, करीब 690,000 के ऊपर मिल जाता है और रीड एंड राइट स्पीड भी देख सकते हैं। ऑल ओवर फोन में परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, हाई एंड गेम हाई सेटिंग पे आसानी से खेल सकते हैं, कहीं भी लैग देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि किंग ऑफ ग्लोरी, जेंशन इंपैक्ट और पबजी मोबाइल आप हाई सेटिंग पे खेल सकते हैं। एवरेज फ्रेम रेट भी अच्छी मिल जाती है और फोन का टेम्परेचर भी कंट्रोल में रहता है। ओवरऑल फोन में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा मिलेगा। और दोस्तों, इंडिया में इसी प्रोसेसर वाला फोन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, पोको F4, जो 870 के साथ आता है और अफोर्डेबल प्राइस में आने वाला है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में मिल जाएगी, जरूर से देख। ZTE एक्सॉन 40 प्रो में कैमरे की बात करें तो रियर फेसिंग क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, जहां पे प्राइमरी 100 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है और लार्ज सेंसर साइज के साथ आता है। सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है, जो 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू को कवर करता है। और आखिरी में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिल जाता है। आप यहां पे फोटोज़ के सैंपल्स देख सकते हैं। और दोस्तों, फोन में अच्छी बात यह है, मेन कैमरा से 4K वीडियो 60fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं और फ्रंट में 4K वीडियो 30fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन मिलेगा और फोन में फोटोज अबव एवरेज मिल जाता है। Wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the ZTE एक्सॉन 40 प्रो में OS की बात करें तो MyOS 12 पे चलता है, जो बना है Android 12 के ऊपर, जो बहुत सारे फीचर्स के साथ आता है, लेकिन थोड़ा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, वो तो अपडेट के बाद भी हो सकता है। ZTE एक्सॉन 40 प्रो में बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की यूज बैटरी मिल जाती है, जो एवरेज यूज पे 1 से 1.5 दिन आसानी से चलेगी। बैटरी को चार्ज करने के लिए 66 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाता है, जो क्विक चार्ज 4 प्लस को भी सपोर्ट करता है, जो बैटरी को बहुत ही तेजी से चार्ज कर देगा। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे एटलीस्ट 80 वाट का चार्जर देना चाहिए था इस प्राइस रेंज में। ZTE एक्सॉन 40 प्रो के प्राइस की बात करें तो बेस वेरिएंट की प्राइस इंडियन रुपीज़ में करीब 35,500 से शुरू होती है।
कंक्लूजन पे आए तो डिस्प्ले सुपर मिल जाती है, स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, कैमरा एबोव एवरेज मिलेगा, परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। लेकिन इस प्राइस रेंज में स्नैपड्रैगन 870 प्राइस यहाँ पे स्पेक्स के हिसाब से थोड़ी ज्यादा है। हालांकि फोन में प्रीमियम कर्व डिस्प्ले मिल जाती है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं ZTE X140 Pro के बारे में, कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा और कौन सी प्राइस में इंडिया में आना चाहिए? इसमें बात यह है कि ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा कि नहीं, क्योंकि ZTE के फोन कई साल से इंडिया में नहीं आ रहे। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं ZTE X140 Pro के बारे में, क्या ये इंडिया में आना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट जो अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला की वो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए, हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।